नमस्ते साथियों, मैं दीक्षेंद्र बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम। साथियों, पिछले 3-4 दिन में जो आप सभी का विशेष सहयोग मिला है, पूरी टीम उत्साहित है और आज फिर आपके लिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आप सभी से मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक आप इस कार्यक्रम को भेजेंगे। साथियों, हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं, 15 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन है, जिसके माध्यम से हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में उस दिवस को मनाते हैं। लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे करके भारत माँ की बेड़ियों में जो जकड़न थी उसको तोड़ने का काम किया है, भारत माँ के पाँव में जो बेड़ियाँ थी उनको काटने का काम किया है। उन्हीं हजारों भारत माँ के शेरों की शहादत हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाएं, कुछ पहलू हम आपके लिए लेकर के आते हैं। सबसे पहले आज मैं एक आपको गीत सुनवा रहा हूं, उसके बाद में आगे की हम बातचीत करेंगे। आज हमारे इस पूरे प्रोग्राम में हम शहीद उद्धम सिंह से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, उनके जीवन से जुड़े हुए गीतों को मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। सबसे पहले गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भारत माँ को जो लोग कहते हैं कि शेरों वाली माँ, आखिर में शेरों वाली माँ है कौन? क्योंकि जिस शेरों वाली को हम लोग देखते हैं वो तो एक शेर के ऊपर बैठी हुई माँ है, उसमें तो हम लोग कह सकते थे कि एक शेर वाली माँ, लेकिन शेरों वाली माँ वो मेरी भारत माँ है। और भारत माँ ने किन किन शेरों को जन्म दिया है, उस गीत से मैं इस कार्यक्रम का आगाज़ कर रहा हूँ। बहुत से साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। इस गीत के बाद जो जो साथी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं आप सभी का नाम मैं इसमें लूँगा। आपसे मेरा ये निवेदन रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस कार्यक्रम को शेयर करें, एक क्लिक से ही लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी फेसबुक पर शेयर करें। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ गीत भाई तेजवीर जी की आवाज़ में, और गीत के बोल हैं मेरी माँ शेरों वाली है। मेरी माँ शेरा वाली है, ओ शेरा वाली है भारत माँ, शेरा वाली है मेरी माँ, शेरा वाली है। और जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर, शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला नाज था चेतक ऊपर, वार नहीं जिसका झिला था यवन मिट्टी में मिला था, गरजता था पूना में तख्त दिल्ली का हिला था, भारत के शेर, और ये थी शेरों वाली माँ। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, और जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, ये है लोगों वास्तव में शेरों वाली माँ। और इसके शेर, अरे जब राणा प्रताप रावली पहाड़ की चोटियों के ऊपर चेतक की सवारी करता था तो दिल्ली में बैठा हुआ अकबर बादशाह घुटनों के बल चलता था। और बहनों और भाइयों, जब पुणे के महाराष्ट्र के मैदानों में छत्रपति शिवा की तलवार चलती थी तो बहनों और भाइयों दिल्ली के अंदर बैठा हुआ औरंगजेब बादशाह कांप जाया करता था। ये थे वास्तव में शेर, तो और एक शेर थोड़ा ही था। और सुनो, जहां हर रोज जवानी नाम लेकर के कहानी, जहां हर रोज जवानी नाम लेकर के कहानी,
सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी, जो सुत को रोता पाया जरा भी शोर मचाया, कहां सुत सो जा माने हरी सिग्नल मा आया। भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले बदन में, भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले बदन में, नीच से बदला लेने गया ऊधम लंदन में, नीच से बदला लेने गया ऊधम लंदन में, कैक्सटन हॉल में फायर किया जा हमारा डायर, मचा हंगामा एकदम टहल गए सारे कायल, एकदम टहल गए सारे कायल, हो केंटन विला जेल में हंस के फांसी खाली है, मेरी वाही जेलावाही है, भारत वासी जेलावाही है, जेलावाही है, मेरी वासी जेलावाही है, और जिसके शेरों की दुनिया में जली है, मेरी वासी रोवाली है, मेरी वासी रोवाली है। ये है बहनों और भाइयों इस भारत माता के शेर, ऊधम सिंह लंदन में जाकर के दहाना और भरी सभा के बीच में जनरल डायर का खात्मा कर दिया। अरे वो इस भारत माँ का, इस शेरों वाली माता का ही तो शेर था। और सुनो, रहे भयभीत फिरंगी कांप गए लाट भी जंगी, रहे भयभीत फिरंगी काट गए, रोक ना पाई उसको यहाँ संगी ने नंगी, रोक ना पाई उसको यहाँ संगी नंगी, मिला हिटलर ने पनाह दी जाओ जापान सला दी, कहा दो खून सिपाही मैं तुम्हें दूँ आजादी, खून सिपाही मैं तुमको दूँ आजादी, वो बॉस बंगाली है, मेरी माँ शेरावाली है, मेरी माँ शेरावाली है, शेरावाली है, मेरी माँ शेरावाली है, और जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरावाली है, भारत माँ शेरावाली। वो था लोगों भारत माता का शेर। अरे जब अंग्रेजों का राज इस देश के अंदर चल रहा था तो वो भारत का शेर, इस शेरों वाली माता का शेर दहाड़ रहा था रंगून की सड़क के चौराहे पर खड़ा होकर, और यूं कह रहा था भारत के लोगों, अगर तुम आजादी चाहते हो तो आओ इस झंडे के नीचे, तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। और यहीं तक बात नहीं, बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, नीम बिस्मिल शेखर ने हिला दी ब्रिटिश राज की, नीम बिस्मिल शेखर ने, रहे जेलों के अंदर महात्मा तिलक सावरकर, ऋषि ने क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश को लिखकर, कर मठ गुलामी की जंजीरें तोड़ के डाली है, मेरी माँ शेरावाली है, मेरी माँ शेरावाली है, शेरावाली है, भरी माँ शेरावाली है, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरावाली है, मेरी माँ शेरावाली। माँ और बेटे के आपस में। साथियों, ये थे भाई तेजवीर आर्य जी जिन्होंने एक गीत आपके सामने रखा, मेरी माँ शेरों वाली है। साथियों, इस गीत के माध्यम से एक
आपके सामने नमूना रखने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से किन किन साथियों ने, किन किन महान लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी शहादत दी है। उधम सिंह का नाम भी आपने इसमें सुना और उधम सिंह को ने कितना बड़ा काम किया वो एक शब्द के माध्यम से तेजवीर जी ने आपके सामने रखा है। मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं लेकर के आऊँगा। ये आवाज़ तेजवीर सिंह जी की थी और अभी जो मैं गीत आपके सामने और रखूँगा वो भाई रामनिवास आर्य जी की हैं, जो आर्यवर्त भजनोपदेशक परिषद है उसके आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं। कुछ साथी इस बीच में हमारे से जुड़े हैं, भाई सोनू कुमार जी और मिशन आर्यवर्त के डायरेक्टर भाई हरपाल जी, RPSS जो राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा उसके प्रवक्ता भाई प्रदीप कुमार जी, भाई विनोद जी, नरेंद्र जी चंडीगढ़ से, रुपेंद्र जी अलीगढ़ से, शेखर जिंदवानी जी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, चतर सिंह जी चंबा से, चांदमल सिंह आर्य जी जोधपुर पंजाब राजस्थान से, मुकेश शर्मा जी जो आर्टिस्ट हैं वो जजर से हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, धर्मदेव जी वो जो यहाँ रोहतक में ही रहते हैं वो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। प्रदीप जी ने लिखा है कि बहुत सुंदर आर्य जी, वर्तमान में इस तरह के कार्यक्रमों की युवाओं के लिए आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। धर्मदेव जी नमस्ते भेज रहे हैं, चांदमल जी भी प्रशंसा कर रहे हैं कार्यक्रम की, मुकेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि आपके कार्य व शहीदों को हमारा नमन, धन्यवाद मुकेश जी। बहन मुकेश आर्य जो कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे मिशन आर्य टीम की वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, भाई संदीप काजल जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सोनू जी कार्यक्रम को बढ़िया बता रहे हैं, उन्होंने ये भी पूछा था कि किन की आवाज़ है, मैंने बताया तेजवीर सिंह जी की बहुत अच्छी आवाज़ में ये आपने कार्यक्रम सुना है। गुरुदत्त विद्यार्थी जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मुकेश बहन लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत धन्यवाद बहन मुकेश जी। धर्मदेव जी भी बहुत सुंदर गाना भ्राता श्री, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मदेव जी। चतर सिंह सूर्यवंशी जी भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम चतर सिंह जी। भावेश मेरजा जी आर्य समाज के वैदिक विद्वान हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और हमारे बड़े भाई रामनिवास आर्य जी भी सुन रहे हैं। विद्या बजाज जी हमारी एक बहन हैं वो संदीप जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि संदीप जी ने एक प्रोग्राम को शेयर किया और वो उससे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी और स्वागत है आपका। रामनिवास आर्य जी का भी आशीर्वाद हमें मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। अब आपकी आवाज़ में मैं आगे के कुछ गीत लेकर के आऊँगा। रुपेंद्र जी ने कहा कि बहुत सुंदर और प्रेरणादायी कार्यक्रम चल रहा है युवाओं की जागृति के लिए, बहुत धन्यवाद भाई रुपेंद्र जी। और कल जिन जो हमारे गेस्ट थे आदरणीय भाई कमांडो रामेश्वर सोरान जी वो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और सब साथियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कमांडो साहब का जन्मदिन भी है और आज हमने उनको रोहतक में हम अपना जो विद्यापीठ है उसमें बुला करके यज्ञ करवा करके उनको शुभकामनाएँ दी हैं, वो हमारे बीच में रहे, बहुत बहुत उनका आज मैं आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। सतीश हरी जी बिहार से और सुपर्ण जगताप जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अंकित आर्य एडवोकेट जी लिख रहे हैं, वास्तविक शेरों वाली माता अर्थात भारत के वीर बलिदानियों से रक्षित भारत माँ की जानकारी युक्त अति प्रेरणादायक भजन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। NRI हमारे साथी हैं राजवीर सौरान जी, वो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय हो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडो साहब का भी मैसेज आया, प्रणाम आचार्य जी, आपके प्रयास सदैव सकारात्मक और सफल होते हैं, चरित्र निर्माण देश प्रेम से ओतप्रोत आपकी कार्यशैली देश और समाज को हमेशा सजग और मजबूती प्रदान करती है। जय हिंद, जय हिंद कमांडो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार शमशेर नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश बहन जी का भी फिर से मैसेज आया है, संदीप सिंह जी बहन जी को का स्वागत कर रहे हैं विद्या जी का, और धर्मेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, नमस्ते धर्मेंद्र जी। संदीप सिंह, जहाँ आँखें खुले वो धरती हिंदुस्तान हो, जहाँ आँखें बंद हो वो गली हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं पर मरते वक्त हाथों में वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, ये हर व्यक्ति का स्वप्न जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में कामयाब हो पाएंगे। अवनीश खोकर जी भी कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं, और राजवीर सोरान जी का फिर से मैसेज आया है, हम सभी आर्मी जवान एक साथ में बैठ कर सुन रहे हैं, हम सभी आर्मी जवान, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी आर्मी के सभी जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी। और कृष्ण कुलेरिया जी हमारे साथ फिर से कार्यक्रम में जुड़े हैं, कल शायद कृष्ण जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारत राज जी वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। कमांडर साहब को जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने लगी हैं, रुपेंद्र जी और साथी जो है वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथियों हम लोग आज चर्चा करेंगे शहीद उधम सिंह की जीवन के बारे में। आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। निहत्थे आंदोलनकारियों के ऊपर जिस तरह से जनरल ओडवायर ने
गोलियां चलवा करके उनकी हत्या की, और उसके बाद इतनी दहशत पूरे पंजाब में खास करके हुई, क्योंकि उस समय पंजाब क्रांतिकारियों का एक गढ़ बना हुआ था, और उसके पीछे उद्देश्य इतना था कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को रोका जाए, इन लोगों में इतनी दहशत भर दी जाए कि ये लोग घर से निकलना बंद कर दें। आप सभी उस घटना से वाकिफ हैं। उस घटना के बाद बहुत लंबे समय तक एक बार क्रांति स्थिर हुई, लेकिन इतिहास की जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी हुए हैं आर्य समाज में, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और उस समय महात्मा गांधी के समकक्ष जिनका कद था उस समय के, वो क्रांतिकारी रहे हैं। उनके प्रयास से पहली बार 13 अप्रैल 1919 की जो घटना हुई जलियांवाला बाग अमृतसर में, तो एक माहौल पंजाब में डगमगा गया, पूरा पंजाब एक तरह से स्थिर हो गया। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने दोबारा से उसी जगह पर एक कार्यक्रम अमृतसर के अंदर कार्यक्रम रखा, और जब बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, लेकिन दुर्भाग्य से उस प्रोग्राम में भी एक दिक्कत यह आई कि बारिश बहुत तेज़ आई, तूफान आया, और जितने भी पंडाल की व्यवस्था थी, जितने भोजन की व्यवस्था थी, वो सब तहस नहस हो गई। लेकिन पंजाब के लोगों से स्वामी श्रद्धानंद जी ने आह्वान किया कि हम बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के चले हैं, हम इस व्यवस्था को बहुत शीघ्र नहीं जोड़ सकते, 2-3 दिन के समय में हम इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं जोड़ सकते। तो आप आश्चर्य करेंगे, पंजाब के लोगों ने ये अपने घर में 10-10, 20-20 लोगों को ले जा करके वहाँ उस कार्यक्रम को रखवाया, और पूरे देश से जो लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, उन लोगों को पंजाब के लोगों ने रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, जहाँ पर भी लोग मिले, 20-20, 30-30 लोगों को अपने घर में ठहराया और भोजन की व्यवस्था की। तब से वो आंदोलन पुनः जागृत हुआ, पुनः उठा। उसी आंदोलन के दौरान हम जिनकी बात कर रहे हैं, शहीद उद्धम सिंह की, उनके पिताजी का भी उसी में जो है बलिदान हुआ था। माताजी अपने बेटे को तैयार कर रही थी। आप सभी जानते हैं शहीद उद्धम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ, और उसके बाद 1919 में ये घटना होती है लगभग 20 साल के बाद, और 20 साल आगे लग जाते हैं, 18-20 साल जब जवान होता है शहीद उद्धम सिंह, तो माँ उनसे प्रसन्न भी करती है और उनको बताती भी। एक दिन माँ जब बेचैन बैठी हुई थी, तो उद्धम सिंह जी पूछते हैं कि माँ आप इस तरह से बेचैन क्यों बैठी हुई हो। तब माँ उद्धम सिंह से क्या अपेक्षाएँ रखती है, जनरल डायर ने क्या क्या जो है सितम भारत के इन क्रांतिकारियों पर किए थे, उससे जुड़ा हुआ एक गीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। भाई रामनिवास जी की बहुत सुंदर आवाज़ है। साथियों, मैं इसलिए भी ये लोकल जो गीत है वो लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि दूसरे दिन का जो हमारा कार्यक्रम था, मैंने उसमें कुछ जो फिल्मों से लिए हुए गीत थे वो चलाए, तो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर क्योंकि कॉपीराइट होता है, तो उन लोगों ने उस कार्यक्रम को ब्लॉक किया। तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम इस तरह से ब्लॉक हो, एक प्रोग्राम चलता है। तो फिर हम लोगों ने यही प्रयास किया कि हम जो रियल में ही इस राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ही गीतों को हम आपके सामने लेकर के आए। तो मैं अब वो गीत आपको सुनाऊंगा जिसमें माँ शहीद उद्धम सिंह जी को बता रही है कि मैं आज विचलित क्यों हूँ, और आपको जो है क्या क्या काम आपको करने हैं। इसी बीच में कुछ संदेश आए हैं। भाई रणदीप आर्य जी हेलो बोल रहे हैं, नमस्ते आपको मैं बोलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। मुकेश बहन कमांडो साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। राजवीर सोरान जी भी हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई कमांडो रामेश्वर सोरान जी, आपको भगवान ढेर सारी शुभकामनाएं दे, हमारी ये दुआ है भगवान से। संदीप सिंह जी भी कमांडो साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सतीश हरी जी ओम जय हिंद। संदीप भाई नमस्ते। हमारी पूज्य माता जी सरोज भाटिया जी जो दिल्ली से हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आर्य समाज सिरसा के मंत्री भाई भीषम जी वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो नमस्ते बोल रहे हैं। हरपाल आर्य जी 15 अगस्त के लिए ये याद दिलवा दिया उन्होंने, मैं भी आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, 15 अगस्त के लिए आप लोगों को अपना 2 मिनट तक का अपनी कोई भी रचना, आप कोई गीत, कोई भजन, या आप अपनी तरफ से कोई संदेश इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं, तो 70-152-59-713 जो मैसेज में लिखा हुआ है वो 15 अगस्त की लाइव स्ट्रीमिंग में आपका जो है प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए था, मैं यही निवेदन आप लोगों से कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस कार्यक्रम को शेयर करें। मैं दीक्षेंद्र बोल रहा हूँ और कार्यक्रम चल रहा है एक शाम शहीदों के नाम, और अब आपको मैं सुनवा रहा हूँ रामनिवास जी की आवाज़ में एक बहुत सुंदर गीत, जिसमें माँ शहीद उद्धम सिंह से बता रही है कि मुझे आज जिस अवस्था में मैं बैठी हुई हूँ उसके पीछे दुख का कारण क्या है। साथियों, एक खुशी की बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आज का ही ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन 1948 में भारत ने ओलंपिक में इंग्लैंड को हरा करके हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। तो एक बार हम लोगों ने अंग्रेज़ों को 1947 में हराया हमारे पूर्वजों ने, और उसके बाद आज़ादी के बाद
12 अगस्त 1948 को हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल देश आज़ाद होने के बाद आया था। तो साथियों ये मैं जानकारी आपको दी है, आप लोग सुनिए भाई। जब ये वार्तालाप सवाल जवाब हो रहे हैं, बेटा पूछ रहा माँ क्यों रोती है, और माँ रोती रोती यूं बोली, बेटा मैं यूं रोती हूँ। यूं बोली रे सोने उधम सिंह, मेरे लाले भाई डायर चंदा प्यारा लगता है, पर मैंने तेरा बाप इन दुनिया की औरतों से शायद ज्यादा ही प्यारा लगता था। कितना मन तेरा बाप जानते भी हीरे प्यारा था उधम सिंह। मैं तो तेरे बाप की गम ने है खोई सो है रोई
13 अप्रैल का दिन है आज, जिस दिन जलियांवाले बाग में गोलीकांड हुआ था, हजारों हिंदुस्तानी क्रांतिकारी शहीद हुए थे और उसी के अंदर तेरा बाप भी शहीद हुआ था। उस समय तू 2.5 साल का था बेटा, चिता के अंदर अग्नि मैंने तेरे हाथ से दिलवाई थी और उस दिन तेरे से एक वचन भरवाया था कि मेरे बेटा जवान होने के बाद अपने बाप की मौत का बदला लेना है। और वो दिन आ गया। उधम सिंह बोला, माँ क्या चाहती है तू? बोले सुन ले बेटा, ये चाहती हूँ मैं तो बस कह मंगल वेद डायर कि तेरे पाजा तो साथियों, ये आपने गीत सुना राम निवास जी की आवाज़ में, और किस तरह से माँ जो है उद्धम सिंह को प्रेरित कर रही है, उनको बता रही है कि ये सिचुएशन थी और ये परिस्थितियाँ थी जिनके आधार पर जनरल ओडवायर को उसके किए का बदला लेने की आज ज़रूरत है। तो जिस तरह से मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल की पूजा माता जी उनकी परीक्षा लेती हैं, शहीद आजम भगत सिंह की माता जी विद्यावती जी भी उनकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ खुद उद्धम सिंह, क्योंकि उसने माँ के उस दुख को देखा है, एक विधवा माँ को 19 वर्ष उसने देखा है, उसके दुख को देखा, उसके दिमाग में ये रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मरने के बाद माँ जो है विचलित हो जाए। तो वो माँ की परीक्षा लेने के लिए उद्धम सिंह जी जो है वो माँ से कहना चाहते हैं, माता जी इतना बड़ा राज है जनरल ओडवायर अंग्रेज लोगों का, यूनियन जैक इतना ज़बरदस्त फैलता रहता है, पूरे विश्व में उन लोगों का राज है, तो मैं उससे कैसे बदला ले सकता हूँ? तो माँ बड़े गुस्से में जो है उद्धम सिंह को डांटती है कि इससे अच्छा तो मैं जब तू पैदा हुआ उसी समय तेरे को जो है मार देती तो ज़्यादा ठीक है। एक गीत किस तरह से एक बखान कर रहे हैं उद्धम सिंह जी और किस तरह से अपनी माँ की परीक्षा ले रहे हैं, वो एक गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस बीच में कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आर्यवीर कुपी जी जो जालौर में आर्यवीर दल की शाखा चलाते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, भाई अजीत पाल जी जींद से हमारे साथ जुड़े हैं, आर्य समाज के वैदिक विद्वान डॉक्टर नरेंद्र वेदालंकार जी दिल्ली से हमारे बीच में जुड़े हैं, पत्रिका के आप पहले संपादक भी रहे हैं, भाई संदीप बलहारा जी भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, भाई सुरजीत सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, डॉक्टर नरेंद्र वेदालंकार जी लिख रहे हैं एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, भाई संदीप जी भी इस गीत की प्रशंसा कर रहे हैं, संदीप आर्य जी योग शिक्षक वो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, डॉक्टर नरेंद्र वेदालंकार जी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को दे रहे हैं, मेरी ओर से भी और आप सभी की ओर से भी मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। रुपेंद्र जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, नरेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, रुपेंद्र जी कह रहे हैं कि देश के आज़ाद करवाने वाले क्रांतिकारियों को सत सत नमन, दादा गुरु कृष्ण फोगाट भाई अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं दादरी से वो हमारे साथ लिखे हैं, जय हिंद कृष्ण फोगाट जी, धर्मदेव आर्य लिख रहे हैं बार बार की गद्दारी को भारत क्या सह जाता, ज़्यादा सीमता भी दुनिया में कायरता कहलाता, ये कुछ एक लिखना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़्यादा माफ़ी दी संयम बरता तो उसका भी नुकसान हुआ, लेकिन इन लोगों ने अपना लहू दे करके इस देश को आज़ाद करवाने का काम किया। और मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं इन शहीदों के को एक मैं श्रद्धांजलि के रूप में कहना, लहू देकर तिरंगे की बुलंदियों को सवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदियों को सवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के तुम्हें सजदा हमारा है। तो शायद यही धर्मदेव जी भी कहना चाह रहे थे, रुपेंद्र उद्धम सिंह जी को सतत नमन बोल रहे हैं। तो साथियों में एक गीत जिस किस तरह से उद्धम सिंह अपनी माँ की परीक्षा ले रहे हैं वो गीत मैं जो है आपको सुनवाना चाहता हूँ भाई रामनिवास जी की आवाज़ में ही, और रामनिवास जी को आप सभी जानते हैं, आर्य समाज के बहुत बड़े उपदेशक हैं
और बहुत क्रांतिकारियों के ऊपर उन्होंने गीत लिखे भी हैं और गाए भी हैं। तो साथियों आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ गीत, उधम सिंह जी अपनी माँ की परीक्षा कैसे ली। के तने बताना चाहिए से राज का मालिक रणधीर सिंह बहुत अच्छे कलाकार हैं और जब बजाते हैं तो पूरे झूम करके बजाते हैं। भाई महेंद्र सिंह बड़ी सुरीली आवाज है, हमारा साथ दे रहे हैं इसमें, चिमटा वादक हैं। और हमारे भाई सतपाल सिंह जी बहुत सुंदर गाते हैं और झूम झूम करके जिस समय गाते हैं तो जनता को मोहित कर देते हैं। इसलिए तो आप सब लोग पूरी आनंद के साथ इस कथा को सुन रहे हैं। वाह भाई क्या बोला उधम सिंह, भूमंडल पे राज तपे दायर की हैसियत ना छोटी, शासन करता जुलम करे तो फिर पर जा की के पोटी, सामर्थ को ना दोष बताया ऊंचर नीच बड़ी छोटी, बाप का बदला लेने की आज्ञा अरे दे के भूल करे मोटी, ध्यान में मोतर ही मैं रोटी नमन समझाना चाहिए से होता तो भी मैं बदला ले लेता। वो तो सात समुद्र पार 6000 मील दूर लंदन शहर में बैठे है, वहां उसके पास जाना कोई हंसी खेल थोड़ा है। पार समंदर टायर लंदन कोई किसे ने भेद नहीं, कई हजार मरे गोली ते मां किसके दिल में खे सोच। उस जनरल डायर से मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, माँ तो गरीबी हालत में है, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मजदूरी करके मेरा और अपना तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाती है और जनरल डायर से भिड़ना माँ ये बस की बात नहीं है। और यूं बोला तीसरी बात में, अरे साधारण मानस का जाना सिल्हा कोई चाकू छुरा कोई भी
सकता है साथ नहीं, फौज पुलिस के पहरे में कोई कर सकता है गौत नहीं, इतनी बड़ी मजबूरी आके माँ मेरी कोई औकात नहीं, जो बस की अपने कवि ने गजब कर दिया भाई, ऐसे शब्द चुन चुन करके रख दिए जैसे माला बनाने वाला धागे के अंदर मोती पिरो देता है, इस प्रकार के शब्द चुन के दिए और यूं बोला उधम सिंह मात है। कह मंगल वेद ईसा कुल किसका, जिसमें ना कोई दोष मिले, कोई तन दुखिया कोई मन दुखिया, ना सुखिया सो सो को मिले, और ना जाने के हवा लिकड़ जा, ना मिट्टी अंदर जो मिले, कहने वाले बहुत मिलेंगे पर करता ना खामोश मिले, तन मन को संतोष मिले, जब ये बात उधम सिंह ने कही तब माँ की आंखों में लाली उतर आई, माँ का गुस्सा चेहरा जो है गुस्से में लाल हो गया और शेरनी जैसा विकराल रूप बना लिया माँ ने, और एकदम उठ के उधम सिंह के गले के ऊपर हाथ डाला, कुर्ते का कलर पकड़ के और झंझोड़ के निबल रहे, नालायक यदि तू इतना कायर और कमजोर था तो इस नारायणी की कोख से क्यों पैदा हो गया था, अरे मैं तो 19 साल से अपनी छाती के ऊपर पत्थर धके और ये दर्द सारा अंदर ही अंदर पी रही थी कि मेरा बेटा जवान होगा, जवान होने के बाद जलियांवाले बाग के कांड का बदला लेगा, पर मैंने नहीं पता था कि मेरा बेटा तो ऐसा गिद्दड़ कायर और कमजोर बन रहा है, बेटा अगर ये बात तेरे बचपन में मुझे पता चल जाती तो मैं तेरी घिट्टी में गुट्ठा दे के मार देती तने, अरे मैं तो न्यू सोच रही थी मेरा तो शेर बेटा है, पर तू तो कायर निकला, कमजोर निकला, नालायक और गिद्दर निकला, इसलिए तेरे जैसे पूतों से तो मां नपुती रह जाए तो बढ़िया है, और तू चला जा मेरी आंखों के सामने, इस मां को एक मिनट भी शक्ल ना दिखाइए, क्योंकि ऐसे कायर बेटे को मैं देखना नहीं चाहती। ओ जब मां ने ये बात कही तो उधम सिंह जान गया कि मां जो कुछ चाहती है वो तो करना ही पड़ेगा, मां के पैर पकड़ दिए और पैर पकड़ के रोते रोते ने बोला, मां तू तो गलत समझ गई, माँ मेरे कहने का ये भाव नहीं था, माँ मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, तेरी परीक्षा ले रहा था, माँ मैं तो ये सोच रहा था कदे इस काम में मेरी जान चली जावे जोखिम भरे काम में और मेरी मौत के बाद तू पागल तो नहीं हो जावे, माँ ये ऐसा सदमा पहुंच जावे कि तू माँ बेहोश हो जाए मेरी मौत का नाम सुन करके और रो रो करके इसके संसार से विलाप करके नहीं जावे, ये सब बातें सोच करके माँ मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। तो बहनों भाइयों पर यूं बोला, मां बस तू इस बात का फिक्र ना करे, जिस मां ऐसी मां जिस बेटे को मिली हो शेरनी मां, उसका बेटा कमजोर हो सकता है क्या मां, पर थोड़ा सा समय दे दे मां, थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, लंदन शहर में जाना पड़ेगा मां और उसके बाद कोई ना कोई रास्ता बना करके मैं लंदन शहर में जाऊंगा, और जब लंदन में जाऊंगा ना पापी जनरल डायर की तो हस्ती मिटा दूंगा मां, और एक बात कहता है मां से, क्या
तो उधम सिंह जो है क्या जवाब देता अपनी माँ को, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा है, यूं बोला, येरी मत घबरावे मेरी मात, बदला लूंगा या सही मान ले उधम सिंह उतरा लाडला उससे जगह भाग जाएगा, पापी का जो मीठा खोज देश का भाग जाग जाएगा, पापी का जो मीठा खोज देश का भाग जाग जाएगा, पापी का जो मीठा खोज देश का भाग जाग जाएगा। हो पता के दायर की ओकार बदला लूंगाया सही मान ले पीटायर ने उसके घर मार के आऊंगा, कह राम निवास मेरी माता मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा, राम निवास मेरी माता मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा, राम निवास मेरी माता मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा। हो एक मैं जालन के बिलाद बदला लूंगा या सही मान ले तो साथियों, शहीद उधम सिंह अपनी माँ के सामने संकल्प करते हैं कि अब मैं जनरल डायर को मारने के लिए विलायत जाने की तैयारी करूँगा। तो आप सभी जानते हैं किस तरह से उस समय में लंदन जाना इतना आसान नहीं होता था। उधम सिंह जी ने भी बहुत प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किए और योजना बना करके एक ठेकेदार के पास वो काम करने के लिए चले गए और इतनी सेवा उन्होंने उस समय ठेकेदार की भी कि उनके कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वो ईसाई ठेकेदार उधम सिंह के कार्यों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनको वो कहते हैं कि आप भी ईसाई बन जाओ, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उधम सिंह को लगा कि मुझे वो अवसर मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। तो साथियों, उधम सिंह बड़ी चालाकी के साथ और एक ये नीति के साथ उस ठेकेदार को कहता है कि साहब आप तो ईसाई बनने की बात करते हैं, मैं तो पादरी बन करके ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। उस समय ठेकेदार प्रभावित हो जाते हैं और वो ठेकेदार कहता है कि मैं आपकी पूरी व्यवस्था करता हूँ, आप कीजिए। तो उधम सिंह कहता है कि इस काम के लिए तो मुझे लंदन जाना पड़ेगा और जो लंदन का सबसे बड़ा गिरजाघर है गोल्डन गिरजाघर, उसमें जाकर के यदि मैं प्रशिक्षण लूँगा तो एक अच्छा पादरी बन करके मैं इस धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। उधम सिंह के सामने एक ही लक्ष्य था, अर्जुन की तरह से एक चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी, इसी तरह से उधम सिंह को भी लंदन दिखाई दे रहा था और लंदन में डार को मारने की योजना उनके मन मस्तिष्क में चल रही थी। साथियों, किस तरह से उधम सिंह उस ठेकेदार को एक बात कहता है कि इस काम के लिए मुझे लंदन जाना होगा, तो वो सारी बातें जो है उससे जुड़ा हुआ एक गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी साथी जो है उस गीत को सुनें और उसके बाद जो है अपनी प्रतिक्रियाएं आप निश्चित रूप से देते रहें। मेरा निवेदन ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक आप इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें ताकि सभी साथी इस कार्यक्रम का आनंद भी ले सकें। कुछ साथी इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्ण फोगाट जी, उन्होंने लिख करके भेजा है, मैं चूम लूँ मौत को अगर मेरी एक प्रार्थना वो स्वीकारती हो, बस मेरी चिता की राख से घर घर इंकलाब का आह्वान हो। रुपेंद्र जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, भाई सत्यवान इक्कस जी जो राष्ट्र अवार्ड से सम्मानित है वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, भाई अशोक यादव जी भी कार्यक्रम से जुड़े हैं। अवनीश जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर जोश भरने वाला गीत था राम निवास जी का। सोनू कुमार जी भी सुंदर लिख रहे हैं। गुरुदेव कादयान जी पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर शौरान जी कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि वाह जी क्या बात है, आप आँखों में पानी आ गया। बिल्कुल निश्चित रूप से सभी क्रांतिकारियों का जब बलिदान देखते हैं तो आँखें गीली होना निश्चित रूप से बात है। भाई देवेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई संदीप जी, हम सब की माँ जिसको कहेंगे उधम सिंह जी की माता, उनको नमन भेज रहे हैं। बहन विद्या जी जो है वो भी उधम जी की माता जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रही हैं। रुपेंद्र जी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निश्चित रूप से संदीप जी जो आपने लिखा है कि ये गीत सुन करके एक बार तो कोई भी इंसान रो देगा।
ओमान देश में भी 50 आर्मी के जवान एक साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजवीर सोरान जी, सुदर्शन पुनिया जी जो शिक्षा जगत में बहुत बड़ा नाम है, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। जय हिंद राजवीर जी, और भूरा राम जी जो खुद शिक्षक हैं वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। सुदर्शन पुनिया जी लिख रहे हैं वेरी नाइस एंड इनोवेटिव प्रोग्राम, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भूरा राम जी जय हिंद। प्रदीप कुमार बाना जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। साथियों, मैं आपका नाम कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल करता रहूंगा। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप सुन रहे हैं एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम। मेरा निवेदन एक बार फिर से सुन लें, जिन साथियों ने फेसबुक बाद में ऑन किया है उनके लिए ये बता दें, आज हमारा ये चौथा कार्यक्रम है एक शाम शहीदों के नाम में। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि 15 अगस्त को हम लोग विशेष कार्यक्रम आपके बीच में लेकर के आएंगे। सभी साथियों की, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं को उसमें शामिल करेंगे। आप अपना 2 मिनट तक का ऑडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70152 59 713। ये कमेंट में भी हरपाल जी ने नंबर लिख दिया है, आप उसको जो है निश्चित रूप से नोट कर लें। और मैं आपके सामने गीत रख रहा हूँ, वो जो ठेकेदार को शहीद उधम सिंह जी बता रहे हैं कि मुझे इस काम के लिए लंदन ना ठहरन का ठोड़ ठिकाना याना शाना ना कोई साथ से ओ भगवान भरोसे सारी बात से होगा लंदन शहर में चाड़ा ना ठहरन का ठोड़ ठिकाना याना शाना किसे तारे से टूटे उठे गाले अंधेरी रात से ओ भगवान भरोसे सारी बात से करके अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया भगवान का स्मरण करके और न्यू बोले कह दो होना से जो हो के रहेगा ईश्वर के घर निर्णा एक दिन पड़े जरूरी कदे या रह जा बात अधूरी पूरी ओ परमेश्वर के
साथियों ये गीत सुना किस तरह से ठेकेदार को समझाने के लिए जो है शहीद उद्धम सिंह जी उनको प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है और वो तैयारी कर देते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सीधा सीधा यही है कि वो लंदन चले भी जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक विशेष घटना के साथ होती है। एक बहन जो है वो डूब रही होती है, उनको बचाने के लिए उद्धम सिंह जी आगे आकर के उनको बचाते हैं। उस बहन का नाम था हेलन और जब उन्होंने उनको बचाया तो हेलन ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव उनके सामने शादी का भी रखा, लेकिन उद्धम सिंह जी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। हमारी भारतीय संस्कृति का उन्होंने वहाँ परिचय दिया और बहुत अनुकरणीय जो शब्द उन्होंने कहे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में भाई जो है वो कहीं पर भी बन सकते हैं, शादियाँ इतनी आसानी से नहीं होती, तो वो भाई बनते हैं और उनको अपनी धर्म की बहन मानते हैं। उसी के माध्यम से उनका एक परिचय एक लड़की के साथ भी होता है जो हिंदी सीखना चाहती है और वो कहती है कि मैं भारत में जा कर के वहाँ की संस्कृति को देखना पढ़ना चाहती हूँ। और उसी के माध्यम से हेलन के माध्यम से और हेलन के द्वारा जिस लड़की से परिचय हुआ उसके माध्यम से ही शहीद उद्धम सिंह पिस्टल जो है वो वहाँ अरेंज करते हैं, अपने पास पिस्टल का प्रबंध करते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि कब मैं जो है ओडवायर का और मेरा आमना सामना हो। वैसी डेट आ जाती है साथियों, 13 मार्च 1940 का दिन था। कैक्सटन हॉल में लंदन के अंदर जो है एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसमें चीफ गेस्ट जो है जनरल ओडवायर को बनाया गया। लेकिन दिक्कत ये थी उद्धम सिंह के सामने कि मैं उस प्रोग्राम में जाऊं कैसे। वो जो लड़की थी वो जनरल ओडवायर की लड़की थी जिसने हिंदी सीखी हेलन के माध्यम से उद्धम सिंह से, उसके साथ जब उद्धम सिंह चले अपनी डिक्शनरी में किस तरह से उन्होंने पिस्टल को छुपाया और उनके साथ जब जाने लगे और सिक्योरिटी गार्ड ने जब उद्धम सिंह को रोकना चाहा तो हेलन और उनके जो साथ जिनके साथ हेलन गई थी, इतने बड़े अधिकारी की लड़की होने के नाते सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उद्धम सिंह को रोक सके और उद्धम सिंह अंदर चले जाते हैं। उसी से जुड़ा हुआ किस तरह से मन मस्तिष्क में उद्धम सिंह जी के दिमाग में ये बातें चल रही थी उससे वैसे जुड़ा हुआ बहुत छोटा सा गीत मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इसी बीच में कुछ साथी हमारे साथ और जुड़े हैं। रुपेंद्र जी कह रहे हैं कि विदेशों में प्रोग्राम सुना जा रहा है, जय हो और बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत धन्यवाद बुराराम जी। आनंद श्रीवास्तव जी, मुनिराज जी राजस्थान से, सलीम खान जी रोहतक से, हिमांशु वधावन जी दिल्ली से, वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और राजवीर जी का फिर से मैसेज आया है, साथियों आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी साथी। साथियों मेरा भी निवेदन शामिल कर लीजिए राजवीर जी की इस रिक्वेस्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हम लोग इस प्रोग्राम को पहुंचा पाएंगे तो हमारी भी इस कार्यक्रम की सार्थकता रहेगी और हमारा जो प्रयास है वो पुरुषार्थ में बदल जाएगा और उसके परिणाम ज़्यादा सार्थक होंगे। संजीव स्वामी जी लिखें, सभी देशभक्तों को सत सत नमन। हम भी सभी देशभक्तों को सत सत नमन करते हैं। साथियों ओमान के बाद हमारा कार्यक्रम दक्षिण अफ्रीका में पहुँच चुका है। दीपलाल बुद्धन जी जो वहाँ भोजनोपदेशक भी जिसको कह सकते हैं, बहुत सुंदर गीत हिंदी में गीत जो है दक्षिण अफ्रीका जैसे जुलू और अंग्रेजी बोलने वाले देश में बोलते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। भाई जी मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको नमस्ते बोलता हूं, जय हिंद वंदे मातरम। मनोज कुमार लाकड़ा जी आप सभी जानते हैं हरियाणा में मिड डे मील चलता है और मिड डे मील की ऐप जिनकी विद्यार्थियों ने बनाई, मनोज कुमार लाकड़ा जी वो हमारे इस कार्यक्रम में से जुड़े हैं। भाई संदीप जी ने कुछ लिख करके भेजा है, दिलों की नफरत को निकालो, वतन के इन दुश्मनों को मारो, ये देश है खतरे में है मेरे हम वतन, भारत माँ के सम्मान को बचा लो। निश्चित रूप से संदीप जी हमारे जैसे और आप जैसे साथी मिलकर के हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे। और भाई राजवीर सोरान जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, धन्यवाद। अब मैं बाकी साथियों का नाम बाद में शामिल करूंगा, मैं आपको लेकर के जा रहा हूं जब उद्धम सिंह के मन मस्तिष्क में जो चल रहा होता है वही समय आ जाता है, 13 मार्च का समय 1940 का, और उस समय की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो उस समय क्या घटनाचक्र होता है, वो सारा का सारा इस गीत के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आवाज़ है भाई रामनिवास आर्य जी की, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य और प्रोग्राम का नाम है एक शाम शहीदों के नाम। छिपा लिया पिस्तौल है उसमें।
छिपा लिया पिसतौल हुई साथ या है लड़त्या सहेली और पड़ोस में दोनों साथ में चल दिया उधम सिंह भी और उसका एक्सटन हाल के गेट पे पहुंच गए। पुलिस वाले खड़े थे तलाशी लेकर अंदर जाने देवे थे सबकी तलाशी ले रहे थे। कुछ गेट पे गारद है खड़ी रहे कुछ गेट पे गारद है खड़ी कुछ पुलिस मैंने दे खड़े छड़ी कुछ पुलिस मैंने दे लगी होन तलाशी बार ये ले रहा शब्द को तलाशी ले रहे थे और ये उधम सिंह जो था जनरल डायर की लड़की के साथ चल रहा। जनरल डायर की लड़की सबसे आगे और उसके बाद में हेलन और उनसे पीछे ये उधम सिंह चल रहा था। जनरल डायर की लड़की को सारे पुलिस वाले जानते थे इसलिए किसी ने नहीं रोकी ना तलाशी। हेलन उसके साथ हाथ में हाथ मिला के चल रही थी इसलिए उसको भी नहीं टोका और उधम सिंह थोड़ा सा पीछे था। ये तो दोनों गेट के द्वारा अंदर चली गई पर उधम सिंह जिस समय घुसने लगा तब एकदम पुलिस वाले ने हाथ पकड़ लेने वाले ओ भाई तलाशी तलाशी देकर जाना पड़ेगा। उधम सिंह रोक लिया और वह मशीन सी लेके इसके धोरे पर लग गए था। वह तलाशी लेने का तो मशीन सी रखा करें स्टेशन अड्डा वह मशीन सी लेके उधम सिंह के जड़ में लग गए था। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिया हाथ में किताब ले ली पर वो जनरल डायर की छोरी जो भीतर जा चुकी थी उसका पीछे ध्यान पड़ गया। उसने देखा उधम सिंह आवे था पर कितरे लिया उसने देखने खातर बाहर निकल आई। बाहर निकली तो देखा एक पुलिस वाला तलाशी लेने लग रहा भाई इसने देखा यू बदतमीज इसने न्यू नहीं पता जो आदमी मारे गए वो मारा आदमी है यू फिर भी तलाशी ले भाई ने इसकी एक बात नहीं पूछी आके छो में भर के इसके थोबड़े पे एक झड़ाप दी इसने एक थप्पड़ जड़ा इसके बोली नालायक इसकी भी तुम तलाशी ले तो हिम्मत कैसे पड़गी थारी। और उसके बाद ही जनरल डायर की छोरी थप्पड़ मार दे तो के हिम्मत पुलिस वाले की तलाशी ले ले। बड़े आराम से उन लड़कियों के साथ अंदर घुस गया जाके कुर्सियों पे बैठ गया अपने अपने स्थान पे। और क्या होता है सब बैठ गए निज स्थान पे सब बैठ गए निज स्थान पे और ध्यान लग्या व्याख्यान पे और ध्यान लग्या व्याख्यान पे जब बोले जर्नल दार भर भर के करके बैठ गए जलसा शुरू हो गया और जितने छोटे मोटे नेता थे सारे बोलबाल लिए। उसके बाद जनरल डायर का नाम पुकारा गया। जनरल डायर का जब नाम पुकारा गया तो पर्दा खींचा और पर्दे के पीछे थे वो जनरल डायर हैट बूट सूट में बड़ा तकड़ा 6.5 फुटा लंबा आदमी लिखड़ा और उसने देखते ही लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर फूलों की बारिश कर दी मालाओं से लाद दिया और जब तक माइक के धोरे नहीं आ लिया यू सिलसिला न्यूए चलता रहा। लेकिन जब माइक धुरान के बोलने लग गया बड़े जोश में बोला इसने कहा ए लंदन के स्त्री और पुरुषों या अपने अंग्रेजी भाषा में जैसे वो कह अगर लेडीज एंड जेंटलमैन यू कह कहे और ने बोला मैं वही जनरल डायर आज आपके सामने बोल रहा हूँ जिस जनरल डायर ने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। जनरल डायर ने हिंदुस्तान के जलियांवाले बाग में वो हाथ दिखाए थे जहां मैंने हजारों हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को मौत की नींद सुला दिया था और उस घटना से हिंदुस्तान कभी उभर नहीं पाया। वो काम किया मैंने भाई इतनी बात तो सुन गया उधम सिंह।
छो तो या गुस्सा तो या पर रोक या थोड़ा सा अगली बात ऐसी जड़ी कटी के दी के बात उठी नहीं छोरे पे निवला लोगो। अगर इस जनरल डायर को एक और मौका मिल जाए हिंदुस्तान में जाने का, जो थोड़े बहुत और बचे हुए हैं वो सुभाष वगैरह पटेल वगैरह उनको भी मार करके आऊंगा भाई। इतनी बात सुनते आंख लाल होगी अंगारे जैसे, बुझाए फड़फड़ाने लगी, जोश में गुस्से में होठ कांपने लगे, दांत पीस रहा है कटाकट, और एकदम हाथ रिवाल्वर के ऊपर पड़ गया छोरे का। किताब में तो रिवाल्वर काट लिया और काट के बस एक छलांग में एक के कूद में तगत पे जा चढ़ा, जनरल डायर की छाती के आगे रिवाल्वर अड़ा लिया और ने बोला, पापी जनरल डायर, किस जलियां वाले बाग का तू जिक्र कर रहा है? उस जलियां वाले बाग का बदला लेने वाला ये भारत माँ का शेर आज तेरी छाती के ऊपर चढ़ा। पापी कर ले बकवास, अगर कुछ और बोलना चाहता तो बोलने समय देता हूँ तेरे को, लेकिन आज आखिरी दिन है तेरा, तेरे को मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ अगर बचना चाहता तो भाग भी सकता है, मौका दे सकता हूँ भागने का। जनरल डायर कांपने लग गया और मैं उसके बॉडीगार्ड से खड़े थे वो स्टैंड गन सी कुतिया सी लिया, ने बोला भाई न फेंक दो ना तो बस दब लिया घोड़ा, अरे जनरल डायर की छाती में न काट दूंगा, उन बॉडीगार्ड ने भी फेंक दी वो कुतिया सी सारी। उसके बाद यूं न बोला, पापी जनरल डायर अगर भागना चाहते हो तो भाग सकता है, मौका दे दूंगा तने। जनरल डायर पसीना पसीना कांप रहा, बुरी तरह बुरा हाल, और उसके बाद बन्यो मुड़ के भागने की तैयारी करने लग गया। पर उधम सिंह ने सोचा भाग गया था वह मौका हाथ लिख लिया, भागन नहीं देना, बस तैयार खड़ा था और गुस्से में छो में लाल पीला हो रहा और एकदम रिवाल्वर के घोड़े पांगड़ी धरिए थी इसकी और क्या कर देता है, कह मंगल वैद इस होल में, कह मंगल वैद इस होल में, उठम का ध्यान पिस तोल हमारे छोरे का, ध्यान पिस तोल में, दई उठ के गोली मार बड़ा डायर पे होश में, तीन वे धाए 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 करके तीन गोली जनरल डायर की छाती में नकाट दी और उसके बाद वह तीन उसके बॉडीगार्ड से भागे पकड़न खातर, तीन गोली और बच रही, तीन मेरे सड़ांगे माथे में उनके बिठाई, तीन हुए मारे, चार लाश पड़ी और चार लाशा ने देख के भगदड़ मच गई, कोई कुर्सी तला बैठ जा, कोई मेज तला, कोई तकत तला, कोई पर्दे पीछे कोई कुर्सी ने ठा बाज रहा, और सारा हाल जो है भगदड़ मच गई, देखते देखते खाली हो गया। और उधम सिंह अगर चाहता तो इस भागदौड़ में भाग सकता था, कोई नहीं पकड़ सकता था, बड़े आराम से भाग सकता था भीड़ भड़ाके में, पर यू भाग्या नहीं, क्योंकि बहादुर आदमी था, इसने सोचा वे जो काम तने करना था कर लिया, अब भागने से कोई फायदा नहीं है, माँ का जो आदेश था उसका पालन तने कर दिया है, अब से कुछ भी हो जाओ खड़ा रहा। पर कुछ भाई मरे से न्यू का आग्रह बोला, वो आदमी तो बहादुर वो है माँ कौन, न्यू बोला जो खा के सोजर मार के भाग जी बोला रहा भले आदमी, जो आदमी खा के सोए और मार के भाग गए उस जैसा तो कायर और कमजोर सहे कोई ना, क्यों खा के सोना नहीं चाहिए आदमी, खा के कुछ काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, धंधा करना चाहिए और मार के भागना नहीं चाहिए। अगर दुश्मन मार दिया तो खड़ा हो गया छाती तान गए, ले वो मन ने तो कर लिया अपने वाला काम, और ले तू आ जा तन्ने भी यू सर्टिफिकेट दूंगा, आ जा तेरी भी हिम्मत हो तो बहादुर तो वो आदमी होता है, और यू के मतलब बिला खा के सो जा मार के भाग जाए, यू भी कोई आदमी होता है, इसलिए ऐसा आदमी तो कायर होता है, निकम्मा कमजोर होता है। लेकिन उधम सिंह खड़ा रहा, भाग्या नहीं, और उसके बाद या जनरल डायर की छोरी मिसमिलन अपने बाप की लाश पे पड़ी ही बिलाप कर रही थी, रोन लाग रही थी, एकदम ऊपर ने नाड़ उठा के इसने ध्यान दिया, सामने उधम सिंह खड़ा। तो साथियों, रामनिवास जी ने एक मार्मिक गीत आपके सामने रखा, एक कथा मार्मिक रखी कि किस प्रकार का जो अंतिम जो दृश्य था वो देखने से सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में विपरीत लोगों के सामने उधम सिंह जा करके और डायर को मारता है और किस तरह से उसकी लाश पड़ी रहती है, और जो मिसमिलन उसकी जो लड़की थी जिसने भी सपने संजोए थे कि शहीद उधम सिंह से जो है वो शादी करेगी, वो मिसमिलन भी जो है उस समय गुस्सा करती है और बहुत कुछ उस समय उधम सिंह को कहती है, लेकिन उधम सिंह उसका भी धन्यवाद करता है क्योंकि उसी लड़की की वजह से
उधम सिंह अंदर भी जा सके, और जो जिस बंदूक की हम लोग बात कर रहे थे जो शब्दकोश में डाल करके उधम सिंह लेकर के जाते हैं वो भी उसकी वजह से उनको मिला था। बिल्कुल अंतिम, हम इस कथा के अंतिम दौर में चल रहे हैं, हो सकता है 2-4-5 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं प्रोग्राम की, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप जुड़े रहेंगे अगले 3-4 मिनट में रामनिवास जी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल अंतिम दृश्य, किस प्रकार से माँ के पास संदेश जाता है, किस प्रकार से वो जो हेलन जो उधम सिंह की धर्म की बहन बनी वहाँ, जिसको उधम सिंह ने डूबने से बचाया था, वो उधम सिंह जी के लिए क्या करती है, ये बहुत थोड़ा सा बात रहती है, उसके बाद मैं आपके साथ जो है पुनः जुड़ता हूँ। जब तक आप रामनिवास जी को सुनिए। और उसके बाद जो बाहर गार्ड खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, विसल बज गई, सिट्टी बज गई, और जितनी भी पुलिस थी सारी गेट के द्वारा अंदर आ गई और उधम सिंह को चौगड़दे से घेरा दे के पकड़ लिया, पकड़ करके हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ के इसको थाने में ले गए, हवालात में रोक दिया, और उसके बाद अदालत में इसको पेश किया गया और मुकदमा चल पड़ा। लेकिन इस उधम सिंह की पैरवी करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए लंदन शहर के अंदर कोई वकील तैयार नहीं हुआ। बहन और भाइयों, वकालत पास करने में अभी 2 महीने का समय बाकी था, और इंतजार करने लगी वो लड़की कि तेरी वकालत पास हो और सबसे पहले ये मुकदमा तेरे को मिले। और ये और कोई नहीं थी बल्कि वो हेलन लड़की थी जो तालाब में डूबने से बचाई थी और उधम सिंह की धर्म की बहन थी। 2 महीने के बाद इसने वकालत पास करी, और वकालत पास करने के बाद सबसे पहला मुकदमा उधम सिंह का लिया, और इस छोरी ने बहुत दलील दी, बहुत सफाई दी उधम सिंह के बारे में, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने एक नहीं सुनी और उधम सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी के ऊपर चढ़ा दिया। और जब फांसी तोड़ दिया उधम सिंह, तो अखबारों में फोटो छपिया उधम सिंह का, एक अखबार लेकर एक 10-12 साल की छोरी दौड़ती भागती हुई उधम सिंह की माँ नारायणी धुरे पहुंची, करने वाली री माँ तेरा बेटा उधम सिंह अंग्रेजा ने फांसी चढ़ाई, फांसी तोड़ दिया। ने बोली बेटी फांसी चढ़ा दिया मेरा बेटा, पर न्यू तो बता उसने कराया भी कुछ, कुआ चढ़ गया फांसी। निवला नहीं माँ, छोरी निवली माँ वैसे नीचे नहीं फांसी, बल्कि तेरे बेटे ने तो जनरल डायर भरी सभा में 3 गोली मार के ढेर कर दिया माँ, 3 लाश बिछाई उसने, 4 लाश भरी सभा में, जनरल डायर की 3, उसके बॉडीगार्ड, और उसके बाद अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी पर चढ़ा दिया उधम सिंह। वह माँ हंसन लायकी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा हमा का, अड़ोस पड़ोस में गीत गाती फिरे, अड़ोसन पड़ोसना ने बुलंदी फिरे, न्यू कहे आओ बेबे मेरे घर इकट्ठी हो जाओ और तुम खुशी के गीत गाओ, क्योंकि मेरा बेटा भगत सिंह अमर हो गया, देश के लिए शहीद हो गया। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो माँ गीत गाती है खुशी के, इस प्रकार की भारत माताओं ने और ऐसे ऐसे नौजवान सपूत ने इस देश को आजाद करवाए हैं, तब जाकर के देश आजाद हुआ। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने देश को आजादी दिलवाई, बहनों और भाइयों, आजादी के बाद उन परिवारों को आज दर दर की ठोकरें मिली। निश्चित रूप से जैसा रामनिवास जी ने कहा कि उन परिवारों को दर दर की ठोकरें मिल रही, मैंने कल भी निवेदन किया था, परसों भी मैंने निवेदन किया था, बहन शास्त्री देवी जी उनकी क्या हालत हुई, दुर्गा भाभी उनकी क्या हालत हुई, और जो परिवार उन शहीदों से जुड़े रहे जिन आज़ादी के बाद में उन लोगों की कोई हालत पूछने वाला नहीं था, और कल भी कुछ पंक्तियाँ निकल करके सामने आई थी, और हम लोग भी कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, कहीं ना कहीं ये पंक्तियाँ छूट रही हैं, और वो पंक्तियाँ जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि उनकी कब्र पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, और महकते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन, जिन लोगों ने शहीदों के कफन चुराने का काम किया उन लोगों का तो कहीं ना कहीं सम्मान देखने को मिलता है, लेकिन अछूते रहते हैं तो वो लोग जिन्होंने अपने परिवार को तिल तिल करके भारत माँ की आज़ादी की बलिवेदी के ऊपर आहूत कर दिया, उन परिवारों की आज कोई हालत पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग निराश नहीं होंगे, भले ही कम सही, लेकिन आज भी उन्हीं शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए जो नौजवान आगे आना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है, निश्चित रूप से कम उनके जीवन को जन जन तक पहुँचाने का आप कार्यक्रम निश्चित रूप से बनाएं, आपकी दैनिक शाखाओं में, आपके विद्यालयों में आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को भी और शहीदों से जुड़ी हुई जीवनी को भी आप जरूर लेकर के जाएं, ताकि क्रांतिकारियों के जीवन से हम लोग उत्प्रोत हो सकें। प्रोग्राम के अंत में मैं एक गीत, ये देश मेरा कैसा, एक गीत मैं आपके सामने रखूंगा भाई तेजवीर जी की आवाज़ में। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा भाई रामनिवास जी का, जो आर्यवर्त
भजनोपदेशक परिषद है उसके आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं। दक्षिण अफ्रीका से तेजस्वीर जी नमस्ते भेज रहे हैं और जय हिंद हमारे लिए लिख करके भेज रहे हैं। जय हिंद तेजस्वीर जी और जय हिंद बुदनलाल जी। अवनीश खोकर जी सभी देशभक्त क्रांतिकारियों को सत सत नमन कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, राजेंद्र ठाकुर जी, सत्यपाल सिंह सरपंच जी और भाई राजवीर सौरान जी, धन्यवाद करें भाई संदीप सिंह जी का जिनके माध्यम से वो प्रोग्राम में जुड़े हैं। और संदीप सिंह जी का भी एक मैसेज लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ देता हूँ आपके सामने। जी आर्य जी, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको क्या कहें, बस इतना कहते हैं कि अगर हर कोई मीडिया का ऐसे सदुपयोग करे तो निश्चित ही मेरा देश बदल सकता है और लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आपको दिल से सलाम करते हैं। मैं भी आप सभी साथियों को दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिल रहा है। भाई अंकित एडवोकेट जी भी नमन कर रहे हैं सभी क्रांतिकारियों को। और रुपेंद्र जी का भी मैसेज आया है, हरपाल जी का भी, भाई राजकुमार आर्य जी का भी। और रुपेंद्र जी ऐसी माँ को बार बार नमन कर रहे हैं। और राजवीर जी का भी अंत में मैसेज आया है, उद्धम सिंह जी को सत सत नमन। संजीव स्वामी जी लिख रहे हैं, सर आप थोड़ा एड्रेस डालें एक बार। संजीव जी इसमें 70152959713 एक नंबर है, हरपाल जी के पोस्ट से नंबर आया है, आप उसमें जो है व्हाट्सएप पे अपना लिख करके भेज सकते हैं। उधम सिंह जी की फैमिली के बारे में आप एड्रेस आप ढूंढना चाह रहे हैं, उसके बारे में अपन संपर्क करते हैं बाद में, आप गूगल पे भी उनका जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस गीत के बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। मेरा ये निवेदन आप सभी से रहेगा कि मिशन आर्यवर्त जो ऐप है उसके ऊपर ये कार्यक्रम आपको मिलेगा, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लें। और यूट्यूब चैनल जो है मिशन आर्यवर्त का, उसके ऊपर दो प्रोग्राम जो पहले हुए हैं हमने वो अपलोड कर दिए हैं, वो आप बाद में भी उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मिशन आर्यवर्त की जो टीम है, भाई हरपाल जी, भाई प्रदीप जी, सजन राठी जी, बहन मुकेश आर्य जी, बहन इंदु आर्य जी, धर्मदेव और नरेंद्र, भाई ऋषिराज शास्त्री जी, इनकी पूरी टीम जो इस कार्यक्रम को आपके पास तक आपके पास लेकर के आती है, उन सभी साथियों का जिस भी जिसका जितना भी योगदान है सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी से इतना निवेदन करूँगा, ये कार्यक्रम है एक शाम शहीदों के नाम, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य, आप सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस कार्यक्रम को शेयर करें और सुनते हुए चलें भाई तेजवीर जी की आवाज़ में ये देश मेरा कैसा। कि ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, जहाँ रीत सदा बलि दानों की, ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, जब सूडावत के पगरण में थे रुकने लगे, याद नहीं जब सूडावत के पगरण में थे रुकने लगे, और बदन में हाड़ी रानी के ये सुनकर शोले उठने लगे, चंद्र सम्मुख सर काट दिया, चंद्र सम्मुख सर काट दिया, दे दी थी आहूति प्राणों की, ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, बलिदानों की, ये देश मेरा कैसा। और मेवाड़
की भूमि धन्य तुझे बलि कानों से है तेरा नाता। मेवाड़ की भूमि धन्य तुझे बलि दानों से है तेरा नाता। रक्षा में किसी की पुत्र भेंट किया पन्नासी कौन होगी माता। सोनित से सनी माटी सुत के लहू से सनी माटी सुत के ओली सी जली